राम राम भाई सभी को। मैंने लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आए थे और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला था कि ये जो न्यूज है ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है ये, क्योंकि आप यहाँ पे टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका ऑथेंटिक जो बिल्कुल जेन्युइन प्रूफ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। जो वीडियो आप देखेंगे ये यूएस की मीडिया की न्यूज है, इंडियन मीडिया की न्यूज नहीं है ये। तो पहले ये देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। U.S. Citizenship and Immigration Services say that individuals traveling to the country on a business or tourist visa can now apply for new jobs and even appear in interviews. This comes after reports that the United States may increase the grace period for the H-1B visa workers when Presidential Advisory Subcommittee urged the government to extend the period from 60 days to 180 days. Individuals traveling to the country on a business or tourist visa, B-1 and B-2, can apply for new jobs and even appear in interviews. But the prospective employees must ensure that they have changed their visa status before starting new roles. In a note, the immigration body, the U.S. Citizenship and Immigration Services, said non-U.S. citizens are often unaware of options available to them. The announcement comes as relief for thousands of highly skilled foreign-born workers, including Indians in the U.S., as they lost their jobs due to a series of recent layoffs at companies like Google, Microsoft, and Amazon. Many of them are now struggling to find new employment within the stipulated 60-day period under their H-1B worker visa, and there are many issues an individual faces, like the tight time frame to find new alternatives, complex paperwork for transferring H-1B status, and the delays in processing at U.S. Immigration Services. This situation holds implications for the U.S. as well, as it risks losing highly skilled tech labor. For more on this, our principal diplomatic correspondent, Sidon Sabal, send us this report from New Delhi. Please take a look. जी, आपने वीडियो देख लिया, ये तो आपको एक्सप्लेन कर दूं वन बाय वन सारी चीजें। मार्च 2023 में यूएससीआईएस ने ट्वीट किया था कि आप अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप यहां पे जॉब सर्च करेंगे, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, देन यू विल गेट योर वर्क परमिट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होगा। और आपने जो यूएस मीडिया की न्यूज थी ये भी आपने देख ली है, बिल्कुल एक्सप्लेन किया उन्होंने, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दिया कि आपको यस यू कैन कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीजा इनटू वर्क परमिट। नाउ क्वेश्चन आता कि कैसे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने स्टडी कर रखी है और जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड में आपको जॉब सर्च करनी है। कोशिश करिए कि वो जॉब आपकी अच्छी कंपनी की हो। तो जो जिस कंपनी में आपको जॉब मिलेगी तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी वर्क परमिट के लिए। बहुत सारे भाइयों ने ये बोला था कि वो यूएस सिर्फ H-1B1 वीजा देता वर्क परमिट वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे वीजा कैटेगरीज हैं यहाँ पे वर्क परमिट की, यूएस के जो अंदर मिलती है, यूएस में आने के बाद जो वर्क परमिट मिलते हैं उसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, ये मैंने लिख रखे साइड में। लेकिन तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेने पे होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूएस का जो मेन फोकस होता है स्टेम में, जिन्होंने स्टडी कर रखी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी देता है यूएसए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा या जो भी कैंडिडेट इस फील्ड में नहीं है उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप इंडिया में है या किसी और कंट्री में, मान लीजिए आप किसी बैंक में अच्छी प्रोफाइल पे, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री आपके पास या पीएचडी है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, देन यू कम टू यूएसए ऑन वर्क ऑन टूरिस्ट वीजा। उसके बाद आप अपनी फील्ड में ही आपको नौकरी ढूंढनी है, आपको वर्क परमिट आराम से मिलेगा। मान लीजिए आप इंडिया में टीचर है, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ पे टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको नौकरी मिल जाती, कोई स्कूल या कॉलेज आपको कोई यूनिवर्सिटीज कोई जॉब ऑफर दे देता तो यू कैन ऑल्सो गेट योर वर्क परमिट। इनके अलावा बहुत सारे और भी फील्ड हैं जो स्टेम से रिलेटेड नहीं है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपके बिल्कुल हाई चांस है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। यूएसए ऐसा कंट्री है जहां पे
जॉब्स की भरमार है भैया, बिल्कुल ताबड़तोड़ जॉब्स वैकेंसी है यहाँ पे। आप जहां भी जाएंगे, जिस कंपनी में भी जाएंगे, आपको आपको हायरिंग हायरिंग मिलेगा। हो सकता है कि आपको ये भी न्यूज में देखने को मिलता हो कि टेक कंपनीज ने इनको निकाल दिया, इतने लोगों को निकाल दिया, ये भी चलता रहता है। क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज है उनको प्रॉफिट अपना देखना होता, अगर उनका रेवेन्यू कम हो रहा होता तो सबसे ज्यादा अटैक वो फिर एम्प्लॉइज पे करते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज है, मिड साइज कंपनीज है, दे आर हायरिंग लॉट। तो ये जो न्यूज है भैया, सबसे बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मैं सभी भाइयों को, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। आप अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे यहाँ का टूरिस्ट वीजा लेंगे और अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे ही यहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, देन यू विल गेट योर वर्क परमिट। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे आ गए, आपने 4-5 महीने लगा दिए, उसके बाद आप वर्क परमिट में ट्राई करेंगे, उस पर फिर टाइम लग जाएगा। क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे आप 6 मंथ में तक स्टे कर सकते हैं, 6 मंथ से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको जॉब कैसे सर्च करनी है, अपनी फील्ड में नौकरी लेनी है, मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दीजिए। जो भी कंपनी आपको सिलेक्ट करती है वो आपका वीजा, आपको वीजा के लिए स्पॉन्सर करेगी आपकी एम्बेसी को या यूएससीएस को। तो दिस इज हाउ यू विल गेट योर वर्क परमिट। तो इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने किसी एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं जो एक्सपर्ट हो, या यहाँ पे यूएस में किसी अटोर्नी की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि उनको सारा प्रोसेस पता होता है। वही लोग हैं जो यहाँ पे अलाउड है आपका वीजा कन्वर्जन का प्रोसेस करने के लिए। तो यही था इस वीडियो में, बहुत सारे लोगों के जो डाउट थे मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। मैं सिर्फ यही एडवाइस करूंगा सभी को कि आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे और आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अच्छी कंपनी में आपको जॉब सर्च करनी है, दैट कंपनी विल हेल्प यू टू गेट वर्क परमिट। दैट्स इट, यही था इस वीडियो में। और जितने भाई नए हैं चैनल पे, भैया यूएस में जॉब्स के रिगार्डिंग, इकोनॉमी यहाँ पे, यहाँ का लाइफ स्टाइल, टूरिज्म, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन माई वीडियोज। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो हेल्प करिए चैनल को ग्रो करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।